नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। विधानसभा क्षेत्र पावटा साहिब से कांग्रेस पार्टी से चौधरी किरणेश जंग की टिकट फाइनल होने से भाजपा में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पावटा साहिब में भाजपा जितना आसान अपनी जीत समझ रही थी, अब चुनौतियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पावटा भाजपा अपना चुनाव प्रचार पर ध्यान दे या को मनाने में इसी गहमा गहमी में पूरा मंडल है। इससे पहले मंडल अध्यक्ष की वजह से भी कार्यकर्ता और लोग पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते ऊर्जा मंत्री सुखराम और किरणेश चंद चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार मैदान से उन नेताओं का सफाया हो चुका है जो चौधरी किरणेश चंद को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा की बी टीम की तरह काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री अपने समुदाय के लोगों का विश्वास भी 5 साल में नहीं जीत पाए हैं। अब ऊर्जा मंत्री को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार सुखराम चौधरी का परिवार भी चुनावी प्रचार में जुटने को मजबूर है। ऊर्जा मंत्री का मुकाबला पहले एक चौधरी से रहता था, लेकिन इस बार वे 3 चौधरियों के चक्रव्यूह से घिर चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, भाई भतीजावाद और हर 5 साल में टीम बदल लेना इस बार सुखराम चौधरी के गले की फांस बना हुआ है। आपको बताते चले कि सुखराम चौधरी ने राजनीति में पार्टी से अपने बराबर में किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया। जिन लोगों से उन्हें खतरा रहा, उन सभी को मंत्री ने किसी न किसी तरीके से कमजोर कर दिया। लेकिन ऊर्जा मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के कद को नहीं घटा पाए और अब मदन मोहन शर्मा पार्टी को अलविदा करते हुए आजाद उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी के साथ चट्टान की खड़े हो गए हैं, जिसके चलते ऊर्जा मंत्री की जीत के समीकरण पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की टिकट किसी और को मिलने की उम्मीद लगाए बैठी भाजपा की असली दिक्कतें उस समय बढ़ी जब चौधरी किरणेश चंद की टिकट फाइनल हुई, क्योंकि चौधरी किरणेश चंद ही सुखराम चौधरी को टक्कर दे सकते हैं और इस बार मंत्री से रुष्ट लोग भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।